Hello students, I am Neeraj Kumar Singh, your science expert from channel Ancient Classes. Today I am going to start a chapter chemical reaction and equation for class 10. तो सबसे पहले ये जानेंगे कि chemical reaction क्या है, क्योंकि ये first chapter है तो chemical reaction के बारे में पढ़ना है. तो chemical reaction किसको कहते हैं? When two or more substances react टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, यानी जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं. इसी चीज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, इसका मतलब है जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं यानी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. इसी चीज को कहते हैं केमिकल रिएक्शन. जैसे एक रिएक्शन में देख लीजिए, दो सब्सटेंस है ए एंड बी, ए और बी दो सब्सटेंस है ए एंड बी, ये आपस में रिएक्शन किए तो नया सब्सटेंस ए भी बना. तो इसमें दो तरह के सब्सटेंस है, एक एरो के बाद है यानी एक एरो के बाद इधर है और एक एरो के पहले इधर है. तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं यानी दो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, तो ये रिएक्शन में देखें कि ए और बी, ए एंड बी केमिकल रिएक्शन में भाग लिए. जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं. यानी सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट. जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो केमिकल रिएक्शन के बाद हमें कुछ चीज़ प्राप्त होता है. जो चीज़ प्राप्त होता है, जो सब्सटेंस प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट. यानी केमिकल रिएक्शन हुआ ए और बी के बीच में तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला? ए बी. तो ये ए और बी, ए एंड बी, ये क्या है? रिएक्टेंट है और इनके रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिला? ए बी मिला. तो ए बी क्या है? प्रोडक्ट है. जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है. ये चेंजिंग चार पांच तरीके का होता है. तो सबसे पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो सबसे पहला चीज़ पढ़ेंगे हम कि चेंज इन स्टेट. यानी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें उनकी अवस्थाएं बदल जाती हैं. जैसे अगर सॉलिड है तो लिक्विड में बदल गया, लिक्विड से गैस में बदल गया. तो यानी केमिकल रिएक्शन होने के उपरांत यानी आफ्टर केमिकल रिएक्शन सब्सटेंसेस चेंज देयर स्टेट. जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक वैक्स ले लेते हैं, कैंडल ले लेते हैं. व्हेन वैक्स इज बर्न, व्हेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्स इज फॉर्म ऑफ कैंडल, जब वैक्स कैंडल के फॉर्म में तब उसको जलाते हैं. नॉर्मल चीज़ है, सभी लोग जलाते हैं कैंडल. तो जैसे एक कैंडल ले लिया, देखिए एक कैंडल ले लिया, ये किस फॉर्म में है? अभी जब आप कैंडल लिए तो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में. अब जब सॉलिड फॉर्म में है, इसको मैच स्टिक से जलाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है. यानी जो चेंजिंग होता है वो हमें दिखाई देता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, पानी के रूप में टपकते रहता है, जलता है. तो सॉलिड था वो वाटर ड्रॉपलेट के रूप में चेंज हो गया, यानी ये जो चेंज हो गया ये लिक्विड के फॉर्म में हो गया. और क्या देखिएगा, चूँकि कैंडल जब जलाते हैं तो कंबसन रिएक्शन होता है, कंबसन रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जब वो जलता है तो गैस निकलता है CO2, ये गैस निकलता है CO2 गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है. यानी चेंज हुआ, हम लिए थे सॉलिड फॉर्म और वो चेंज किस में हो गया? लिक्विड में और गैस में. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन स्टेट होता है. अब देखिए दूसरा चीज, केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें चेंज इन कलर होता है, यानी कलर में बदलाव हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि द रिएक्शन बिटवीन सैट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. यानी एक बीकर लेते हैं, एक देखिए, एक हमने एक बीकर ले लिया और बीकर में क्या ले लिया? पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया और उसमें सैट्रिक एसिड मिलाते हैं. सैट्रिक एसिड कहाँ से मिलाते हैं? आप जानते हैं कि लेमन में कौन सा एसिड है? सैट्रिक एसिड पाया जाता है. इसके में लेमन के कुछ बूंद को इसमें गाड़ देते हैं, यानी इसमें निचोड़ देते हैं, डाल देते हैं और फिर इसको स्टीयर करते हैं, घुमाते हैं. कुछ देर बाद हमको ये मिलता है कि धीरे धीरे ये पर्पल कलर जो है वो क्या हो जाता है? फेड करते जाता है, कमज़ोर पड़ते जाता है
और फाइनली क्या होता है कुछ देर बाद ये क्या हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है, यानी इसका कलर पर्पल से विदाउट कलर, बिना कलर का हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें चेंज इन कलर होता है, कलर बदल जाता है, और ये शो करता है कि केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर होता है। अगला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें गैस निकलता है, यानी एवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन होगा तो कुछ गैस इवॉल्व होगा, रिलीज होगा। जैसे एक बीकर ले लेते हैं, एक देखिए एक बीकर ले लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क कहिए, कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, और इस कोनिकल फ्लास्क में क्या कर लेते हैं, जिंक का कुछ ग्रैनुल्स ले लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो फिगर है जो आपके सामने, ये फिगर हमने लिया है जिंक ग्रैनुल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के लिए। कोनिकल फ्लास्क ले लिया, इसमें आप देख रहे हैं कि जिंक ग्रैनुल्स ले लिए, जिंक का दानेदार टुकड़ा ले लिए, इसमें क्या कर दिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। एसिड दो तरह का होता है, एसिड आपको दो तरह का होता है, एक कंसनट्रेटेड और दूसरा डाइल्यूट। तो यहाँ हम देख के लेते हैं डाइल्यूट एसिड को ले लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराते हैं, जैसे देखिए ZN है, H2SO4 ले लिए, और जब आफ्टर रिएक्शन हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। आप कैसे कहिएगा कि हाइड्रोजन गैस होता है, तो आप एक जलता हुआ मैच स्टिक को यहाँ ले जाइए जहाँ से वो रिलीज हो रहा है, तो यहाँ वो पपिंग साउंड के साथ जलेगा। पपिंग साउंड हाइड्रोजन के जलने के बाद मिलता है, जो ये शो करता है कि इसमें जो गैस निकलेगा वो गैस हाइड्रोजन निकलेगा। यानी जब जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, जो ये प्रूव करता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, यानी गैस निकलता है। चेंज इन टेम्परेचर, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये भी देखने को मिलता है कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में बदलाव आता है, यानी या तो टेम्परेचर बढ़ करके ज़्यादा हो जाएगा या टेम्परेचर घटेगा, या तो रिएक्शन के परिणाम स्वरूप वो हीट होगा या फिर कोल्ड होगा। तो एग्जांपल में ले लेते हैं कि ये चेंज इन टेम्परेचर में, कि वेन क्विक लाइम सोडियम ऑक्साइड को जब हम लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं पानी में, बीकर में डाल के, तो देखते हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हमने देखा है, देखिए ये एक ग्लास ले लिए, उसमें वाटर क्विक लाइम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं, धीरे धीरे उसको स्टीयर करते हैं, स्टीयर नहीं भी कीजिएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें रिएक्शन होगा और ए लॉट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, जो ये साबित करता है कि इसको आप जैसे ही आप इसमें क्विक लाइम में वाटर को मिलाइएगा रिएक्शन होगा। तो स्पॉट को यहाँ जब आप वीकर को छूएगा तो आपको हॉट फील होगा, ये गर्म होगा, जो ये साबित करता है कि इसमें एनर्जी निकला है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलता है, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, यानी एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो इसमें एनर्जी रिलीज हुआ तभी तो आपको ये टच करने में हॉट लगता है। तो ये साबित करता है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो टेम्परेचर बदलता है। अगला रिएक्शन देखिए, वेन अमोनियम क्लोराइड, जब आप अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं किसके साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी एक बीकर ले लीजिए, उसमें क्या ले लीजिए आप अमोनियम क्लोराइड को ले लीजिए और साथ में क्या लीजिए, उसके साथ मिक्स कर दीजिए बेरियम क्लोराइड को, मिक्स कर लिए अमोनियम क्लोराइड ले लिए और बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिए, दोनों को मिला दिए। अब ये जब मिला दिए तो रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन परिणाम स्वरूप हमको क्या मिलता है, बेरियम क्लोराइड मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन होता है, कुछ देरी बाद आप इसको टच कीजिएगा, इसको छूइएगा, तो ये जो प्रकनली होगा, इसका जो बॉटम होगा वो कैसा होगा, कोल्ड होगा, यानी हीट एब्जॉर्ब किया,
ये ठंडा हो गया। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब होता है, इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी इसमें क्या हो गया, हीट लगेगा, बाहर से हीट लगेगा। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें बाहर से हीट या एनर्जी लगता है, तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी वेन अमोनियम क्लोराइड मिक्स विथ बेरियम हाइड्रोक्साइड द रिएक्शन कंप्लीट एंड वी गेट बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये साबित करता है कि चेंजिंग होता है टेम्परेचर में। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसको आपस में हम रिएक्शन कराते हैं तो सॉलिड हमें प्राप्त होता है। जो सॉलिड जो हमें अवशेष के रूप में प्राप्त होता है उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। यानी केमिकल रिएक्शन होगा तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, जब दो सॉल्यूशन के एक साथ मिलाते हैं तो उससे सॉलिड हमको प्राप्त होता है। सॉलिड सेपरेट होता है, जो सॉलिड सॉल्यूशन से सेपरेट होता है इसी सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर सॉलिड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, द सॉलिड द सेपरेटेड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। जैसे हमने आप रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाया है कि बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं, उसके साथ ट्रीट कर देते हैं सोडियम सल्फेट को। आफ्टर रिएक्शन, इसमें रिएक्शन होता है जब एक बीकर में ले लेते हैं, आफ्टर रिएक्शन आप इसके बॉटम में, ये ग्लास के बॉटम में आप पाइएगा बेरियम सल्फेट। यही बेरियम सल्फेट हमको अवशेष के रूप में प्रेसिपिटेट के रूप में मिला है और उसके साथ सोडियम क्लोराइड भी मिला है। तो ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना ये बतलाता है कि जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट इसका है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।